लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। चाय, जिसके जरिए लोगों के दिन की शुरुआत होती है, क्या आप जानते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई थी? बेहद कम लोगों को इस बात के बारे में पता होगा कि उनके घरों में बनने वाली चाय किस तरह दुनिया का पसंद बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 4700 साल पहले चाय की खोज हो चुकी थी, लेकिन तब यह सिर्फ शाही पेय हुआ करती थी। इसे सिर्फ राजा ही पीते थे। असल में चाय की खोज गलती से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूर्व चाइना के दूसरे राजा शेन नूंग ने गलती से चाय की खोज की थी। दरअसल हुआ यूं था कि शेन को गर्म पानी पीने की आदत थी। एक बार उनका कोई सेवक उनके लिए पानी गर्म कर रहा था, जिसमें गलती से चाय की पत्तियां गिर गईं। यह पानी जब राजा ने पिया तो उसे एक अलग सी ताजगी महसूस हुई। उसने सेवक से पूछा कि इस गर्म पानी में क्या मिलाया था, तो उसने राजा को सारी बात बता दी। बस तभी से वे चाय का पानी पीने लगा। चाय न सिर्फ ताजगी बल्कि उसके साथ साथ आपको एनर्जी भी देती है। यही वजह रही कि चीन ने 4700 साल पहले खोज ली गई चाय के बारे में 9वीं शताब्दी तक दुनिया को पता ही नहीं लगने दिया। बाद में जापान को इसके बारे में पता चल गया और फिर बात यूरोप तक जा पहुंची। ऐसे चाय पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। भारत में भी चाय किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। सिर दर्द है तो कड़क चाय, सर्दी खांसी है तो अदरक की चाय, यहाँ तक कि सुस्ती दूर करनी हो तो भी चाय ही काम आती है। चाय यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में रच चौर बस चुकी है। इसके बिना लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती। देश में बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि भारत के 16 राज्य चाय का उत्पादन कर रहे हैं। भारत में मिलने वाली चाय की 29 के सामने आज विश्व बाजार में चीन पीछे छूट गया है। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में चाय की पैदावार होती है।